नागालैंड में जदयू के जीते हुए उम्मीदवार ने ऐलान किया है कि वो अब बीजेपी को समर्थन करेंगे। इस पर जदयू ने कड़ा एक्शन लिया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नागालैंड में विधायक के द्वारा बीजेपी को समर्थन देने के मामले पर साफ कर दिया कि यह बहुत निंदनीय है, पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी। यही वजह है कि जनता दल यूनाइटेड ने फैसला लिया और नागालैंड वाले मामले पर तुरंत पूरे संगठन को ही बर्खास्त कर दिया। ललन सिंह ने कहा कि बिना सहमति के नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष और जीते हुए विधायक ने अपना समर्थन बीजेपी को दिया है, जो घोर अनुशासनहीनता है। के विधायक ने स्वतः स्फूर्त जो है समर्थन दिया है, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, कल हमको जानकारी मिली कि नागालैंड के विधायक और नागालैंड के प्रदेश के अध्यक्ष, इन दोनों ने जाके समर्थन का पत्र दिया और हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी। बिना हम लोगों की सहमति के ये लिया गया और इसको हम लोगों ने घोर आपत्तिजनक मानते हुए कल ही हम लोग नागालैंड की जो प्रदेश की इकाई है उसको हम लोगों ने भंग कर दिया। अब नए सिरे से हम लोग नागालैंड की प्रदेश इकाई को का गठन करेंगे। ये जो एक इम्प्रेशन जा रहा है कि बीजेपी से कोई हमने भंग कर दिया। बीजेपी के लोग तो इसी काम में रहते हैं, मणिपुर में भी, अरुणाचल में हमारे जीते विधायक उनको बीजेपी ने शामिल कर लिया, मणिपुर में भी हमारे विधायक जीते उनको बीजेपी ने 5 लोगों को किया, एक आदमी रह गए। लेकिन नागालैंड में भी जो घटना हुई, एक हमारे विधायक जीते थे, उन्होंने जो समर्थन का पत्र दिया सरकार को, उसको हम लोगों ने घोर अनुशासनहीनता माना और इसलिए माना कि हमारी पार्टी का स्पष्ट राय है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी सूरत में नहीं जा रहे हैं और न दिखाई। नागालैंड जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर लिखकर नागालैंड में बीजेपी को अपना समर्थन दिया है, जिसके विरोध में जदयू नेतृत्व की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए नागालैंड निकाय को भंग कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले नागालैंड में 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें जेडीयू ने महज एक सीट पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद जीते ही हुए विधायक ने बिना कोई शर्त भाजपा को अपना समर्थन दिया था। जो सारे विपक्ष वहां के सरकार को समर्थन दिया है, उसमें जदयू के भी विधायक एक थे, वो भी समर्थन दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री के नीति रीति और विश्वास पर उन्होंने दिया है। और जहां तक बात है विपक्ष का, तो आज जदयू जो वहां कमेटी जो भंग किया है अपना नागालैंड का, वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब जदयू के लोग उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं और केंद्रीय नीति और विकास के योजनाओं पर प्रभावित होकर के सरकार का समर्थन देना चालू कर रहे हैं, तो इनकी जो है अब जो है अपने लोगों को पार्टी से निकाल रहे हैं, कहीं कमिटी ये कहीं भंग कर रहे हैं। ये वही हाल है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। नीतीश कुमार जी से अब लोगों का विश्वास उठ गया है। में वहां के सरकार को समर्थन दिया है, उसमें जदयू के भी विधायक एक थे, वो भी समर्थन दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री के नीति रीति और विश्वास पर उन्होंने